वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि यदि आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आपको कोई थीम यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिटर की या किसी भी वेबसाइट की किसी भी ब्लॉग की पसंद आती है तो आप ये कैसे पता करेंगे कि उस ब्लॉग में कौन सी थीम यहाँ पर यूज की गई है, ताकि आप भी उसी तरह की थीम का यूज करके अपनी वेबसाइट अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा अच्छा यहाँ पर जो है बना सकते है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सेस टॉक चैनल, जहां पर आपको YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल नॉलेज समय समय पर मिलते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए यहां पर समझते हैं, हमारे ब्लॉग का ही यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि आपको ये थीम यहां पर जो है यदि पसंद आती है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर किस तरह की थीम का प्रयोग किया गया है, किस वर्डप्रेस थीम का प्रयोग किया गया है, तो आप यहां पर जो है कैसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि आप यदि वर्डप्रेस में आते हैं अपनी किसी ब्लॉग के लिए थीम यहां पर लगाना चाहते हैं, थीम का चयन यहां पर करना चाहते हैं, तो अप्रेसियंस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर थीम का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक एड न्यू थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप यदि यहाँ पर थीम सर्च करें तो आपको यहाँ पर जो है वर्डप्रेस की लाखों ऐसी थीम देखने को मिल जाएगी जो कि आप अपने ब्लॉग के लिए, आप अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन्हें इंस्टॉल करके एक्टिव करने के बाद। लेकिन सवाल ये आता है कि आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पर देखा है, उस वेबसाइट की थीम आपको यहाँ पर जो है अच्छी लगी, उस वेबसाइट की बनावट, उस वेबसाइट की डिजाइन आपको यहाँ पर अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर दिखे, तो इसके लिए आपको वो ब्लॉग, वो वेबसाइट किस वर्डप्रेस थीम पर यहाँ पर बनी हुई है, किस वर्डप्रेस थीम पर डिजाइन की गई है, ये आपको यहाँ पर पता करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उस ब्लॉग का यूआरएल यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है और आपको जाना है गूगल में। गूगल में आपको टाइप करना है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर और कर देना है एंटर, जिसके बाद आपके सामने सबसे पहले ही यहाँ पर वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर नाम का एक फ्री टूल ओपन हो जाएगा। इसे जो है आप ओपन करेंगे जो कि यहाँ पर WPTD के नाम से यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो है आप उस कॉपी किए गए लिंक URL को पेस्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद कुछ छोटी सी प्रोसेस यहाँ पर होगी और आपको बता दिया जाएगा कि जिस पर्टिकुलर साइट, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट की थीम का आप पता लगाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर ब्लॉग में कौन सी थीम यहाँ पर यूज की गई है। जैसे कि यहाँ पर मैं मेरे ही ब्लॉग की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर URL पेस्ट किया और यहाँ पर यह बता रहा है कि MH मैगजीन लाइट नाम की थीम यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉग वेबसाइट में यूज की गई है। इसी तरह से एक और ब्लॉग का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ हमारे एक और ब्लॉग का URL मैं यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ और वापस से इसी वेबसाइट पर आकर इसे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे जो है यहाँ पर सर्च करेंगे और प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि जो URL, जो ब्लॉग का वर्डप्रेस थीम आप चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है कौन सी थीम यूज की गई है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सेकंड वाले ब्लॉग का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्कीमा लाइट नाम की थीम यूज की गई है और यहाँ पर जो URL हम यहाँ पर जब कॉपी करके पेस्ट करते हैं और सर्च के लिए भेजते हैं तो ये टूल हमें यहाँ पर उस वेबसाइट पर, उस ब्लॉग पर कौन सी थीम यूज की गई है उसे जो है सर्च करके यहाँ पर बता देता है। अब जब आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर हो या जो ब्लॉग आपको यहाँ पर पसंद आया है, जिस ब्लॉग की थीम पसंद आई है उसकी थीम यहाँ पर क्या है, उस थीम का नाम क्या है, तो आप अपने ब्लॉग में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से जो है उस नाम से उस थीम को यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उस थीम को यहाँ से जो है इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस के साथ।